आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सुदान गढ़वी को घोषित किया गुजरात में मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बताया जनता की पसंद पत्रकार रहे हैं गढ़वी। केजरीवाल बोले मैं आज गढ़वी का नाम बतौर मुख्यमंत्री उम्मीदवार नहीं घोषित कर रहा बल्कि गुजरात के अगले मुख्यमंत्री के नाम का कर रहा हूं ऐलान। में 73% लोगों ने यशुदान गढ़वी जी का नाम। केजरीवाल के यशुदान गढ़वी का नाम घोषित करते ही आप कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जश्न ढोल नगाड़े बजे। अरविंद केजरीवाल का दावा गुजरात एक बड़े परिवर्तन की ओर जा रहा है राज्य में आम आदमी पार्टी की बन रही है सरकार झूठे सिद्ध होंगे सभी सर्वे। केजरीवाल ने सर्वे में यशुदान को 73% जनता के मत मिलने का दिया हवाला। चुनाव आयोग पर आप नेता संजय सिंह का व्यंग्य भरा ट्वीट लिखा सच में क्या बुरा है क्या चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था मोदी जी के इशारे पर चलेगी। दिल्ली में एमसीडी चुनाव की बस अब से कुछ ही देर में तारीखें घोषित होंगी 4 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान कर सकता है। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों की फिर से नापाक साजिश अनंतनाग में 2 प्रवासी मजदूरों पर हमला दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया घायल मजदूरों में एक बिहार दूसरा नेपाल का एक ही स्कूल में काम किया करते थे दोनों। अनंतनाग में प्रवासी मजदूरों पर हमले की कश्मीर फाइटर नाम के आतंकवादी संगठन ने जिम्मेदार ले ली पूरे इलाके को घेराबंद करके आतंकवादियों की तलाश। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में मुंबई में बोले आदित्य ठाकरे हम कर रहे हैं अपने सिद्धांतों की राजनीति। आदित्य ठाकरे का मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे परिवार बोले सरकार बनाने के लिए कभी डर्टी पॉलिटिक्स हमने नहीं की शिंदे ने की। We have smaller gaddaris, and I call this gaddari because there's no other appropriate word for this. You know, people who've run away and just gone to another party. आदित्य ठाकरे ने केंद्र की मोदी सरकार पर साधा निशाना कहा हमने विपक्षी नेताओं की कभी जासूसी नहीं की। आदित्य का बयान महाराष्ट्र के लिए जब हो रहा था बेहतर काम तो गिरा दी गई हमारी सरकार। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री शिंदे ने पंचायत चुनाव के परिणाम का दिया हवाला कहा कौन नस्ली शिवसेना कौन नकली ये जनता ने बता दिया है। मुख्यमंत्री शिंदे का बयान सीएम का मतलब है कॉमन मैन जो जनता चाहती है वही हमने किया इसलिए जनता के दिल में हमारे लिए सम्मान। मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा वेदांता का सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट टाटा एयरबस का विमान निर्माण प्रोजेक्ट महाराष्ट्र से गंवाने का दुख है लेकिन ये निर्णय मेरे पहले मुख्यमंत्री ने लिए थे। शिंदे ने डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को बताया प्रोएक्टिव महाराष्ट्र के विकास में फडणवीस का गिनाया योगदान। संजय राउत अनिल देशमुख की गिरफ्तारी पर बोले शिंदे जिसने जैसा किया वैसा भुगता केंद्र ने तोड़फोड़ के लिए किसी स्वतंत्र एजेंसी का नहीं लिया सहारा। उद्धव से नाता तोड़ने पर इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में बोले शिंदे चुनाव में जनता ने बीजेपी शिवसेना गठबंधन को दिया था वो। मुख्यमंत्री शिंदे ने उद्धव पर सत्ता के लिए सत्ता के दूसरे दलों से गठबंधन का लगाया आरोप कहा 2.5 साल तक के इंतजार मैं बीजेपी के साथ चाहता था नेशनल अलायंस लेकिन जब देखा 2.5 साल में जिस मकसद से सरकार बनी थी विधायक जो देखते हैं कि फिर चुनाव में हम कैसे सामने जाए लोगों को कैसे जवाब दे। सीएम शिंदे ने पीएम मोदी की बाल ठाकरे से तुलना की कहा बाबा साहब कहते थे मुझे एक दिन का पीएम बना दो जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दूंगा अयोध्या में होगा राम मंदिर का निर्माण मोदी ने यही किया क्योंकि हम लोग चुनाव लड़े थे शिवसेना भाजपा के साथ में और जो मतदाता है वोटर्स है उनका मैंडेट भी था शिवसेना बीजेपी की तरफ। दिल्ली में तिहाड़ जेल के डीजी संदीप गोयल का तबादला सुकेश चंद्रशेखर की एलजी को लिखी चिट्ठी के बाद तबादला।
सुकेश ने संदीप गोयल को बताया था सत्येंद्र जैन का मददगार। संदीप गोयल पर सत्येंद्र जैन के इशारे पर उगाही और धमकाने का भी लगाया था आरोप। संजय बेनीवाल होंगे तिहाड़ के नए डीजी जेल। संदीप गोयल की जगह संभालेंगे पदभार। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आदेश जारी किया। पत्र में सुकेश चंद्रशेखर ने संदीप गोयल को 12.5 करोड़ रुपए देने का उल्लेख किया था। इनमें से 1.5 करोड़ रुपए सत्येंद्र जैन के कहने पर दिया था। बिहार के 81 ऑफिसर्स से जांच का साया। दिल्ली पुलिस कर रही है जांच। इन अफसर्स पर जेल में बंद सुकेश को महिला सेलिब्रिटी से मिलने और अनुचित सुविधाएं पहुंचाने का आरोप। दिल्ली में प्रदूषण का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। अर्जी पर 10 नवंबर को सुनवाई होगी। सीजेआई ने प्रदूषण पर व्यक्त की चिंता। दिल्ली में पोल्यूशन को लेकर केजरीवाल का बड़ा बयान। दिल्ली में कल से सभी प्राइमरी स्कूल बंद। लागू किया जा सकता है ऑड इवन फॉर्मूला। केजरीवाल बोले प्रदूषण के लिए सिर्फ और सिर्फ आम आदमी जिम्मेदार नहीं। केजरीवाल जिम्मेदार नहीं, ये समस्या पूरे उत्तर भारत की। सभी शहरों में हवा सीवियर कैटेगरी में है। जितनी खराब दिल्ली में उतनी खराब इन सभी शहरों में। केजरीवाल बोले मैं मानता हूं पंजाब में पराली जलाई जा रही है। इसके लिए सिर्फ किसान जिम्मेदार नहीं, हम सबको मिलकर इसका हल खोजना होगा। केजरीवाल ने कहा पंजाब में आप सरकार को अभी सिर्फ 6 महीने हुए। बड़ी समस्या के निदान के लिए समय कम है। अगले साल तक इसका निदान हम कर देंगे। पंजाब के सीएम मान ने पंजाब में 40 लाख एकड़ में पराली जलाए जाने का हवाला दिया। बोले किसान पराली जलाना नहीं चाहते, लेकिन निदान के तौर पर अभी उनके पास सिर्फ माचिस की तीली है। अभी भी हम कोशिश कर रहे हैं दोबारा कि चलो ये सीजन हो गया तो अगला सीजन तक तो कम से कम कर लें। दिल्ली में पोल्यूशन को लेकर बीजेपी मुख्यमंत्री केजरीवाल पर हमलावर हुई। केजरीवाल पर लॉकडाउन में घोटाले का आरोप लगाया। संबित पात्रा बोले केजरीवाल की नियत में प्रदूषण। सबसे बड़ा पोल्यूशन होता है नियत का पोल्यूशन। और जहां तक अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी है, देयर इंटेंट एंड देयर इंटीग्रिटी इज पोल्यूटेड। दिल्ली में प्रदूषण का जबरदस्त जहर घुला। AQI 500 के पार हुआ। दिल्ली के शाहदरा में हवा की गुणवत्ता सबसे खराब। 843 तक पहुंचा AQI। दिल्ली के जहांगीरपुरी, रोहिणी, ओखला, नरेला, अलीपुर, बवाना में जबरदस्त पोल्यूशन। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में अक्षरधाम इलाके का बुरा हाल। धुंध और धुएं के खुबार से लिपटा हुआ है पूरा इलाका। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पोल्यूशन पहुंचा AQI हुआ 563। दिल्ली में खतरनाक प्रदूषण से प्रतिबंध लागू। जरूरी सामानों के अलावा डीजल ट्रकों की एंट्री। हाईवे, सड़कों, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज और ट्रांसमिशन सभी पर बैन। प्रतिबंध के बाद भी पंजाब के कई शहरों में जलाई जा रही है पराली। अमृतसर, जालंधर, बठिंडा में किसान जला रहे हैं पराली। पंजाब के फरीदकोट में धड़ल्ले से जल रही है पराली। हवा में तेजी से फैल रहा है प्रदूषण। बीजेपी नेता, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने जारी किया वीडियो। केजरीवाल से पूछा श्रीमान अब आपको पंजाब की पराली समस्या के इन उपायों को अमल में लाने से कौन रोक रहा है। हरियाणा में प्रतिबंध के बावजूद पराली सामने आई, जलती हुई पराली की तस्वीर। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में प्रदूषण का स्तर AQI 539। साइबर सिटी गुरुग्राम की हवा हुई दम घोटू। प्रदूषण में स्कूल जाने के लिए मजबूर हैं बच्चे। यूपी के नोएडा में जबरदस्त पोल्यूशन। दिल्ली से ज्यादा पोल्यूशन। नोएडा का AQI है 562। प्रदूषण को देखते हुए नोएडा में बड़ा कदम। 8वीं तक के सभी स्कूल बंद किए गए। 8 नवंबर तक सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस। दिल्ली से सटे यूपी के गाजियाबाद में भी AQI खतरनाक स्तर पर पहुंचा। पश्चिम बंगाल, झारखंड में प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने छापेमारी। 12 से ज्यादा जगहों पर छापे।
मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा मामला, आर्मी की जमीन पर कब्जे के आरोप में ईडी ने मारा छापा। एसआरएस ग्रुप के विरुद्ध भी ईडी की कार्रवाई, दाखिल की चार्जशीट, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के नाम पर धोखाधड़ी का आरोप। झारखंड में कांग्रेस के दो विधायकों के घर पर आईटी का छापा, गोड्डा में कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव के घर छापा, पोडेया हाट से विधायक हैं प्रदीप। बोकारो में कांग्रेस के विधायक अनूप सिंह के घर पर आईटी का छापा, बेरमो से विधायक हैं अनूप सिंह। बीजेपी नेता तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा ने लगाए केजरीवाल के विरुद्ध पोस्टर, तिहाड़ के बाहर सत्येंद्र जैन पर ईडी के गंभीर आरोपों को बनाया मुद्दा। यूपी के मदरसों के लिए निरीक्षण को लेकर नया विवाद, शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा मदरसों के निरीक्षण को उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद के चेयरमैन ने गलत बताया। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद के चेयरमैन का बयान, सिर्फ जिले का अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ही कर सकता है निरीक्षण। मथुरा में गौ तस्कर से पुलिस की मुठभेड़, गोली लगने से घायल हुआ आरोपी पुलिस ने गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के खंडवा में 4 साल की मासूम से दरिंदगी, अगवा कर बनाया बलात्कार का शिकार। मध्य प्रदेश के बैतूल में बड़ा सड़क हादसा, 11 लोगों की मौत। बैतूल में यात्री बस और गाड़ी की टक्कर, बीती रात को हुआ हादसा। अमरावती की तरफ से आ रही कार खाली बस से टकरा गई, कार में सवार ड्राइवर समेत सभी 11 यात्रियों की मौत। हादसे के समय तेज रफ्तार कार बस में घुस गई, सभी 11 यात्रियों ने मौके पर दम तोड़ दिया, कार के परखच्चे उड़ गए। दोनों बस और टवेरा में टक्कर होने के कारण जो है टवेरा बिल्कुल बस के अंदर डैश कर गई और सभी जितने भी 11 लोग 11 सवारी उस टवेरा गाड़ी में थी वो पूरी स्पॉट पे ही खत्म हो गई। गुजरात के मोरबी पुल हादसे में 135 मौत के बाद जागी गुजरात सरकार, नगर निगम के चीफ ऑफिसर संदीप जाला को सस्पेंड किया।